हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने टेंडर पार्टिसिपेशन कंप्लीट कर लिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप टेंडर पार्टिसिपेशन कर सकते हो। हर एक टेंडर को हमने पार्टिसिपेट करके देखा था कि कौन सा टेंडर किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है और BOQ बिड किस लिए होता है, कस्टम बिड किस तरीके से होता है और प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर किस तरीके से होता है। सारे ही टेंडर हम लोग पार्टिसिपेट करके देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो भी टेंडर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो उनके रिजल्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि वो जो टेंडर है वो किसको मिला, किस रेट पे मिला और आपकी पोजीशन क्या थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सी कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था, ताकि आपको ये पता लगे कि कौन कौन से जो अदर प्लेयर्स हैं या फिर आपके जो कंपटीशन प्लेयर्स हैं कौन कौन से एक्टिव हैं और वो किस प्राइस पे सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। तो ये ना आप जो टेंडर पार्टिसिपेट करते हो उनके रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ जेम पे आज तक जितने भी टेंडर हुए हैं, जितने भी टेंडर इवैल्यूएट हो चुके हैं किसी भी कैटेगरी के, चाहे आपने टेंडर पार्टिसिपेट किया है चाहे नहीं किया है, आप उनके भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो वो भी हम लोग समझेंगे कि उन टेंडर्स को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो जिसमें आपने पार्टिसिपेशन नहीं दिया। रिजल्ट चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिजल्ट चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि आपने जो भी टेंडर भरा या फिर जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसमें आप रेगुलर एक टेंडर पार्टिसिपेट करे जा रहे हो और उसमें जितने भी टेंडर निकल रहे हैं उसमें अपना 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 पार्टिसिपेशन आप दे रहे हो, बट हो सकता है हाई प्राइसिंग की वजह से आपको वो टेंडर ना मिल रहा हो या फिर आपके जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो ब्लैंक जा रहे हो। तो जब आप रिजल्ट चेक करते हो ना तो आपको इस बात का पता लगता है कि कौन से कंपनीज सेम प्रोडक्ट में एक्टिव हैं या फिर सेम वर्टिकल में एक्टिव हैं और आपको उनके प्राइसेस का भी पता लगता है कि मान लो कि एक एक्स स्पेसिफिकेशन की जो एक्स स्पेसिफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो मान लीजिए कि आप 10,000 में आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोट कर रहे हो, बट हो सकता है कि कोई दूसरा प्लेयर सेम एक्स स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट 9,500 में ऑलरेडी ऑफर कर रहा हो, तो वो जो 500 का गैप है ना वो आपको कभी L1 में आने नहीं देगा। बट जब आप रिजल्ट चेक करते हो तो एक तो आपको अदर प्लेयर्स के बारे में पता लगता है कि कौन सा आपका कंपटीशन है, कौन कौन से वो लोग हैं जो मार्केट में सेम वर्टिकल में एक्टिव हैं, दूसरा आपको प्राइसिंग का पता लगता है कि आप जो प्रोडक्ट कोट कर रहे हो रेगुलरली टेंडर्स में कहीं आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा तो नहीं है या फिर कहीं पे आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आप सेम वर्टिकल में टेंडर डालो या फिर सेम प्रोडक्ट के टेंडर डालो तो आपको ऑलरेडी अपने कंपटीशन का आइडिया रहे कि उनकी पॉसिबल कोट क्या हो सकती है, तो आप उससे थोड़ा सा डाउन करके अपना टेंडर सबमिट कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना है और किस तरीके से आपको उनको अपने आने वाले टेंडर्स में यूज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जितने भी टेंडर आप पार्टिसिपेट करते हो ना सबका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो कि वो टेंडर किसको मिला और किस रेट पे मिला। तो जितने भी टेंडर आप पार्टिसिपेट करोगे ना ये पार्टिसिपेटेड बिड्स में वो टेंडर मूव कर जाते हैं। देखो, जब उस टेंडर का डेडलाइन क्लोज हो जाएगा तब इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। मान लीजिए 20 तारीख का एक टेंडर क्लोज होना है, आप 15 तारीख को उसे पार्टिसिपेट करके बैठ गए, इस सेक्शन में तब आएगा जब वो 20 तारीख कंप्लीट हो जाएगी, उसकी डेडलाइन ओवर हो जाएगी। हर एक टेंडर का आप रिजल्ट तब देख सकते हो जब आप बायर उसे इवैल्यूएट कर ले। देखो, जैसे ये टेंडर है अभी इवैल्यूएट नहीं हुआ, स्टेटस क्या है, टेक्निकल इवैल्यूएशन पे। जिस टेंडर का इवैल्यूएशन हो जाएगा उसको आप चेक कर सकते हो, जिसका नहीं हुआ उसको आप चेक नहीं कर सकते। जैसे ये टेंडर है इवैल्यूएट हो चुका है, व्यू बिड रिजल्ट्स पे आप जाओगे, टेक्निकल इवैल्यूएशन में देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी आई, किसको मिला, किस रेट पे मिला, आप वो देख सकते हो। ऐसे ही हर एक टेंडर का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। जैसे ये है, व्यू बिड रिजल्ट्स पे जाओगे, टेक्निकल पे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, 2 डिस्क्वालिफाइड है और 1 क्वालिफाइड है। तो जब बायर आपको डिस्क्वालिफाई करता है ना तो यहाँ पे जो आई बनी आ रही है, आंख बनी आ रही है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको रीजन भी देखने को मिल जाता है कि बायर ने क्या रीजन दिया है आपको डिस्क्वालिफाई करने का। अगर आपको लगता है कि बायर का जो डिसीजन है ना वो अनफेयर है या फिर उसने गलत रीजन पे आपको डिस्क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे चैलेंज रिप्रेजेंटेशन का एक विंडो ओपन हो जाता है, 2 दिन का टाइम आपको मिलता है।
आप अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डाल सकते हो, बट अगर बायर ने दोबारा उसे कंसीडर नहीं किया तो उसको कुछ नहीं किया हो सकता, वो वन टाइम ऑप्शन आपको मिलता है, वो डिपेंड करता है कि बायर उसे कंसीडर करता है नहीं करता। तो ऐसे ही जितने भी टेंडर आप पार्टिसिपेट करते हो, हर किसी का यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो कि वो टेंडर किसको मिला और किस रेट पे मिला। लॉग इन करने के बाद आपको वही टेंडर दिखेंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेशन किया है। लॉग आउट करके आप आज तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जितने भी टेंडर हुए हैं सबका स्टेटस चेक कर सकते हो कि किसको मिला, किस रेट पे मिला। करना क्या है, बिड सेक्शन में जाना है, लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाओगे, बिड आरए स्टेटस पे जाओगे। बिड आरए स्टेटस पे जाने के बाद अगर आपके पास कोई टेंडर नंबर है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टेंडर नंबर डाल के उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बट आपके पास कोई टेंडर नंबर नहीं है, आपको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के टेंडर देखने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे अल्मीरा के टेंडर देखने हैं कि आज तक जैम पे कितने हुए हैं और उनका स्टेटस चेक करना है। तो मैंने जब अल्मीरा डाला तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, अल्मीरा के टेंडर मुझे दिखा रहा है। तो अगेन वही, जिसका नॉट इवेलुएटेड स्टेटस है तो उसे आप चेक नहीं कर सकते, जो इवेलुएट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। जैसे ये टेंडर है, व्यू बिड रिजल्ट्स पे जाओगे, व्यू बिड रिजल्ट्स पे जाने के बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन में देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, फाइनेंशियल में देख सकते हो किसको मिला और किस रेट पे मिला। इसका टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो सेम आप बिड नंबर पे जाके टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके ये भी देख सकते हो कि बायर ने इस टेंडर में मांगा क्या था। तो इस तरीके से आप हर एक टेंडर को चेक कर सकते हो। जब आप लॉग इन करते हो ना, यहाँ पे एक आपको पुश बटन प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए पुश बटन प्रिक्योरमेंट क्या होता है, पुश बटन प्रिक्योरमेंट एक मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी स्टार्ट हो रखा है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, हमेशा रहेगा ही रहेगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, एक्सपेरिमेंटल एक मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। पुश बटन प्रिक्योरमेंट होता क्या है, देखो मान लीजिए कि बायर को एक लैपटॉप खरीदना है जो कि 2 लाख रुपए का आता है, तो बायर जब उसे मार्केट में खरीदने जा रहा है तो उसे दिख रहा है कि वो 2 लाख रुपए वाला लैपटॉप कोई 3 लाख रुपए में सेल कर रहा है, बट बायर को पता है कि ये तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का आता ही नहीं है। तो उस केस में बायर क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट का अगर चाहे तो पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस फ्लोट कर सकता है। तो पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस में होता क्या है, डिफरेंस क्या है, एक तो ये 3 दिन के लिए होता है, 3 दिन से ज्यादा के लिए बायर नहीं निकाल सकता। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना होता, जो भी बायर ने प्रोडक्ट मांगा है आप प्रोडक्ट ऑफर करोगे और अपना अपना प्राइस सबमिट कर सकते हो। हर एक कैटेगरी में पुश बटन प्रिक्योरमेंट नहीं होता, कुछ ही कैटेगरीज में एप्लीकेबल है, सारी कैटेगरीज में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिव नहीं है। सेम आप जेम पे ये भी देख सकते हो कि डेली बेसिस पे जेम पे कितने ऑर्डर निकल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, किस रेट पे मिल रहे हैं। व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स का ना यहाँ पे ऑप्शन आता है, जब आप लैंडिंग पेज पे जाते हो तो यहाँ पे व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जेम कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप जाओगे, आप देख सकते हो, जैसे मुझे देखना है आज टेबल की कैटेगरी में या फिर अलमीरा की कैटेगरी में कितने टेंडर निकले, तो सॉरी कितने ऑर्डर निकले, टेंडर एक अलग चीज है, ऑर्डर मतलब कितने टेंडर ऑर्डर आज प्लेस हुए, या फिर 4 दिन पहले, 4 दिन पहले से लेके आज तक प्लेस हुए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट क्राइटेरिया सेट कर लूंगा अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कैप्चा डाल के सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे जितने भी ऑर्डर इन 4 दिनों में हुए सारे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका कॉन्ट्रैक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो कि भैया किसको मिला और कौन सी कंपनी है, ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है। जैसे ये आपका परचेज ऑर्डर डाउनलोड हो गया, कौन सी कंपनी को मिला, ले मार्क फर्नीचर इंडस्ट्रीज, किस रेट पे मिला है, 11,500 रुपये में एक टेबल मिला है। तो ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना वो भी दिख जाता है कि ऑर्डर किस मोड से आया है, जैसे ये ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट मोड से आया है, जो टेंडर के थ्रू आया होगा वहां पे बिड आरए लिखा होगा, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट चल रहे हैं, जैसे ये है, ये बिड आरए के थ्रू आया है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी से रिगार्डिंग आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप लोग अदर कंपटीशन या फिर जो अदर प्लेयर्स एक्टिव हैं उनके रिजल्ट चेक कर सकते हो।
और ये भी देख सकते हो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कि नहीं मिले, मतलब जो भी टेंडर सक्सेसफुली हुए हैं, एक टेंडर अवार्ड होना अलग चीज है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होना एक अलग चीज है। तो वो भी आप कैसे देख सकते हो वो हमने इस वीडियो में समझा। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे डायरेक्ट परचेज के ऊपर। डायरेक्ट परचेज एक 5 लाख की फंक्शनैलिटी बायर को दी गई है कि वो 5 लाख तक की प्रिक्योरमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं विदाउट कोई टेंडर निकाले, विदाउट कोई बिड निकाले। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट परचेज के ऊपर मूव करेंगे और समझेंगे कि डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।